बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पार्टी ऑफिस में आए और हमारी बात जो जनता जनार्दन है उतना पहुँचाते हैं। जो हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, जैसे कि आपने सबको सुना, तो मैं ये जरूर कहूँगा पहाड़ियों का तो मुद्दा उन्होंने खत्म किया ही किया। और खास करके जो मैं अपने सिख समुदाय से बात करूँगा कि 60 साल पहले जितनी भी यहाँ पे सरकारें रही, क्या किसी ने जो मोदी जी ने हमारा 26 दिसंबर को बाल दिवस छोटे साहिबजादों का दिन जो नेशनल हॉलीडे बनाया किसी और ने दिया? क्या जो हेमकुंड साहब के अंदर रोप वे बना किसी और ने देखा? क्या करतारपुर कॉरिडोर जो मोदी जी ने ओपन करवाया इसके पहले किसी ने सोचा? इसके बाद जो हरिमंदर साहब का जो GST को माफ करना, तो इस तरह से जो मोदी जी हैं उन्होंने हर समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे हम पहाड़ियों का मसला हो, तो सबको साथ लेके चला है। मेरी आप सबसे मीडिया के माध्यम से उंच की जनता से ये अपील है, हमारे जो प्रत्याशी हैं अब्दुल गनी चौधरी साहब, उनको वोट दे के कामयाब बनाएं। और खास मैं आपसे एक बात जरूर पूंछ शहर के वासियों से जरूर करूंगा कि जितनी भी यहाँ पे पहाड़ी की बात चली, मेरे मोहल्ले के मदनजीत सिंह जी की एक बच्ची है जो पिछले दिनों MBBS की लिस्ट निकली है 117 में, वो बच्ची ST का सर्टिफिकेट लगा के उसको सीट अलॉट हुई है। क्या ये छोटी बात है? इससे पहले हम देखते थे जितने भी हमारे बच्चे पढ़ते थे वो झगड़ा हो जाता था, बच्चों के अंदर एक मन में शंका रहती थी कि हम अच्छा पढ़ते हैं, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हम भी ST भाइयों के भाई हैं जो पहाड़ी हैं, हमें क्यों पीछे रखा जाता है। तो इस झगड़े को भी जो मोदी जी ने खत्म किया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट पूंछ और रजौरी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसी से सभी समुदायों से जरूर अपील करूंगा कि जो आने वाले दिन 25 तारीख को कमल के फूल को वोट देके कामयाब बनाए, इसी में हम सबकी कामयाबी और पूरे देश की कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पार्टी ऑफिस में आए और हमारी बात जो जनता जनार्दन है उतना पहुँचाते हैं। जो हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, जैसे कि आपने सबको सुना, तो मैं ये जरूर कहूँगा पहाड़ियों का तो मुद्दा उन्होंने खत्म किया ही किया। और खास करके जो मैं अपने सिख समुदाय से बात करूँगा कि 60 साल पहले जितनी भी यहाँ पे सरकारें रही, क्या किसी ने जो मोदी जी ने हमारा 26 दिसंबर को बाल दिवस छोटे साहिबजादों का दिन जो नेशनल हॉलीडे बनाया किसी और ने दिया? क्या जो हेमकुंड साहब के अंदर रोप वे बने किसी और ने देखा? क्या करतारपुर कॉरिडोर जो मोदी जी ने ओपन करवाया इसके पहले किसी ने सोचा? इसके बाद जो हरिमंदर साहब का जो GST को माफ करना, तो इस तरह से जो मोदी जी हैं उन्होंने हर समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे हम पहाड़ियों का मसला हो, तो सबको साथ लेके चला है। मेरी आप सबसे मीडिया के माध्यम से उंच की जनता से ये अपील है, हमारे जो प्रत्याशी हैं अब्दुल गनी चौधरी साहब, उनको वोट दे के कामयाब बनाए। और खास मैं आपसे एक बात जरूर पूंछ शहर के वासियों से जरूर करूंगा कि जितनी भी यहाँ पे पहाड़ी की बात चली, मेरे मोहल्ले के मदनजीत सिंह जी की एक बच्ची है जो पिछले दिनों MBBS की लिस्ट निकली है 117 में, वो बच्ची ST का सर्टिफिकेट लगा के उसको सीट अलॉट हुई है। क्या ये छोटी बात है? इससे पहले हम देखते थे जितने भी हमारे बच्चे पढ़ते थे वो झगड़ा हो जाता था, बच्चों के अंदर एक मन में शंका रहती थी कि हम अच्छा पढ़ते हैं, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हम भी ST भाइयों के भाई हैं जो पहाड़ी हैं, हमें क्यों पीछे रखा जाता है। तो इस झगड़े को भी जो मोदी जी ने खत्म किया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट पूंछ और रजौरी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसी से सभी समुदायों से जरूर अपील करूंगा कि जो आने वाले दिन 25 तारीख को कमल के फूल को वोट देके कामयाब बनाए, इसी में हम सबकी कामयाबी और पूरे देश की कामयाबी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।